अस्सलाम वालेकुम आज आपकी मुलाकात डॉक्टर दलत अफजा से मैक्रो के लेक्चर में हो रही आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर्स की कंटिन्यूशन है जिसमें हमने टॉपिक ऑफ द इकनॉमिक ग्रोथ को जो है वो डिस्कस करना शुरू किया था कि जिसमें हमने ये कहा कि वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक इशू है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इकोनॉमीज में वो किस तरह टेक प्लेस करती है वी से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर अ डेकेड टू इफ वी कंपेयर कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ओवर दैट पीरियड चेंज हो गया इम्प्रूव कर गया और अक्रॉस कंट्रीज भी अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कंट्रीज का वो डिफरेंट होता है तो व्हाट आर द मैकेजम वी वट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द डिफरेंसेज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अक्रॉस कंट्रीज तो सिलसिले में जब हमने डिस्कशन शुरू की तो वी स्टार्टेड विदोज ग्रोथ मॉडल सोलो का जो ग्रोथ मॉडल था इट इज अ वेरी सिम्प्लीफाइड वर्जन और अम्पलीफाइड थ्योरी, जिसमें हम स्ट्रिंजेंट एज्शन लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास इकोनॉमी जो है वो एक क्लोज इकोनॉमी है जिसमें नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो जीरो हैं, वी आर नॉट इम्पोर्टिंग एनीथिंग एंड वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग एनीथिंग एंड देट एजम्प्शन वॉज मेड जस्ट फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन एंड देन वी आल्सो सेट के लेस एज्यूम के द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज जीरो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड द गवर्नमेंट टैक्स दे आर एपसेंट एंड विद सिंपलीफाइड एक्साम्पन वीसो सेट हमारे पास जो है प्रोडक्शन फंक्शन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक हमारे पास कैपिटल है और दूसरा है, है. तो जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस किया था तो हमने ये कहा था कि अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर दे आर एग्जॉजली डिटर्मिंड एंड दे आर फिक्स दे आर फॉर आउटपुट लेवल जो है वो भी फिक्सड लेकिन जब हम सोलो के मॉडल को डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास कैपिटल और लेबर दे आर नॉट ए हमारा सोलर का जो मॉडल है दैट इज अ डायनामिक मॉडल जिसमें चेंजेस जो है दे आर टेकिंग प्लेस इन द लेबर एज वेल एज इन द कैपिटल जबकि दूसरी तरफ जो पहले हमने मॉडल जिसमे हमने एक्साजिनली फिक्स लेवल ऑफ लेबर एंड कैपिटल ज्यूम किया था दे वर दॉडल इसके साथ साथ जब हम आते हैं कंजम्पशन की तरफ एक्सपेंडिचर की तरफ तो हमने उसके दो सिंप्लीफाइड कंपोनेंट रखे एक है कि कंजम्पशन और दूसरा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट जो हैं दे आर एबसेंट इन दिस सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दोलो मॉडल तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि इससे पहले कि हम मजीद डिटेल में जाए सोलो मॉडल की और जो टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं उन पर डिस्कशन शुरू करें तो हम थोड़ा सा पहले पिछले लेक्चर को रिव्यू कर लें पिछले लेक्चर में हमने सोलो मॉडल की एक डायमेंशन को देखा और जो कि कंटिन्यूएशन था इवन उससे भी पिछले लेक्चर का जिसमें हमने ये बात की थी कि इकोनॉमी जो है वह एक स्टेडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर रेशो की तरफ मूव करती है और स्टेडी स्टेट को हमने ये डिफाइन किया था कि इट इज एन इक्विलिब्रियम लेवल और एन इक्विलिब्रियम प्वाइंट वेयर देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी फॉर चेंज और उसमें हमने ये कहा था कि ये स्टेडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर जो है

तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि हमारे पास डिप्रिसिएशन जो है वो हायर होगी एज कंपेयर्ड टू द इन्वेस्टमेंट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा कैपिटल का लेवल कम हो के स्टडी स्टेट कैपिटल के लेवल की तरफ मूव करेगा दूसरी तरफ अगर हमारे पास कैपिटल पर वर्कर इन द इकोनॉमी इज लोअर देन द स्टडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर लेवल तो इस सूरत हाल में क्या होगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट विल बी हायर देन द डेप्रिसिएशन एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी विल ग्रो बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव चेंज इन कैपिटल कैपिटल बढ़ता चला जाएगा एंड दैट विल बी मूविंग टूवर्ड्स द स्टडी स्टेट कैपिटल पर वर्ककर रेशियो स्टेडी स्टेट को हमने ये भी कहा कि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक स्टेडिस्टेट इक्म है तो हम कहते हैं इज नो टेंडेंसी फॉर चेंज लेकिन एट द सेम टाइम जब हमने कंजम्पशन की बात की तो कंजम्पशन में हमने ये कहा था कि हमारा कंजम्पशन सिंस रोल ऑफ द गवर्नमेंट वॉज एबसेंट टैक्सेस नहीं है तो यहां पे हमने डिस्पोजेबल इनकम की बात नहीं की हमने ये कहा कि हमारी कंजम्पशन जो है दैट इज डिटर्मेड बाय एन एक्सोजनसली गिवन सेविंग रेट सेविंग रेट लोअर केस लेटर एस उसको हमने ये कहा कि वो हमारा सेविंग रेट ऐसा रेट है कि जो डिटर्मिन करता है कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ द इनकम लोग सेव करेंगे एंड देन इन्वेस्ट करेंगे लेकिन दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी इज के वन माइनस एस और द सेविंग रेट डिटर्मिन द रेट ऑफ कंजम्पशन सो आवर कैपिट कंजम्पशन पर वर्कर लोअर केस लेटर सी वी डिफाइन इट एज दैट इट इज इक्वल टू वन माइनस द एस टाइम्स दी वाई कि जो इनकम का फ्रैक्शन हम कंज्यूम करते हैं दैट इज इक्वल टू वन माइनस दी एस अब इस कंजम्पशन को अगर हमारा सेविंग रेट चेंज हो जाए तो डेफिनेटली हमारी कंजम्पशन भी चेंज होगी तो हमें ये कहा कि अगर हम सेविंग रेट को बढ़ा दें तो उसकी वजह से हमारा जो कर्व है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एस एफ एफ के वो शिफ्ट करेगा और जब एस एफ एफ के जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट का कर्व है जब वो शिफ्ट करता है तो उसकी वजह से हमारा स्टडी स्टेट इक्म लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर जो है वो भी चेंज हो जाता है यानी एक्साजीनसली डिटर्मिन सेविंग रेट को चेंज करने की वजह से हमारे पास इक्विब्रम लेवल ऑफ स्टेडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर जो है वो चेंज हो जाता है सवाल ये पैदा होता है कि जब हम सेविंग रेट को चेंज करते हैं तो इससे स्टेडी स्टेट इक्म पे जो इफेक्ट होता है वो क्या होना चाहिए कि वो बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए कौन सा सेविंग रेट जो है दैट इज सुटेबल फॉर द इकॉनमी तो उसके लिए हमने ये कहा कि अगर हम इकोनॉमी को इन द परस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स देखें तो इंडिविजुअल्स की वेलबींग well जो है वो इंप्रूव होती है जब उनकी कंजम्पशन पर वर्कर बढ़ जाए फील बेटर ऑफ तो इस हाल में हमने कहा कि हम एस को चेंज कर सकते हैं पॉलिसी मेकर्स कैन चेंज एस सो कि कैन दीच टू दर कंज्शन पर वर्कर इज मैक्सिमाइज सो ऑन बेसिस ऑफ दैट वी सेट के वी हैव दोल्डन लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर के स्टार और वो गोल्ड लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर से के स्टार इज दैट लेवल जहां पे हमारे पास कंजन पर वर्कर टर सी स्टार इज एट दैक्सिम और उसको देखने के लिए हमने ये कहा कि अगर हमारे पास एक तरफ तो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ है हमारे पास सेविंग्स तो अगर हम सेविंग रेट बढ़ाते हैं तो उससे हमारी कंजन बढ़ेगी या कम होगी तो उस सूरत में हमने ये कहा कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ द कैपिटल पर वर्कर डी एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी हमने शुरू किया कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एन इकोनॉमी जिसमें हमारे पास कैपिटल जो है पर वर्कर इज हायर देन दोल्ड तो इस इन में क्या होगा की अगर कैपिटल पर वर्कर हायर है तो हमें क्या करना चाहिए कि सेविंग रेट को कम करना चाहिए सेविंग रेट के कम करने से हमारे पास इमिजिएटली क्या होगा कि हमारे पास जो है कंजम्पशन बढ़ जाएगी क्योंकि वन माइनस एस जो है दैट डिटर्मिन्स कंज़म्पशन तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें कैपिटल पर वर्कर के स्टार स्टडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर इज हायर देन गोल जिसमें के कंज़म्पशन मैक्सिमाइज होती है उस सूरत हाल में अगर हम एस को कम करते हैं तो हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है कंजम्पशन बढ़ती है लेकिन उसके साथ साथ हम जब दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इमिजिएटली तो डिक्लाइन करती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारी कंजम्पशन करंट भी बढ़ती है एंड फॉर द टाइम टू कम भी हमारी कंजम्पशन जो है वो बढ़ती चली जाती है यानी कि इस सैनारियों में अगर हमारे पास कैपिटल पर वर्कर इज हायर देन द के स्टार गोल्ड और हम सेविंग रेट को कम करें तो हमारी करंट कंजम्पशन भी बढ़ेगी और फ्यूचर कंजम्पशन भी बढ़ेगी यानी करंट जनरेशन भी और फ्यूचर जनरेशन भी पर वर्कर जो है या पर हेड कंजम्पन जो है उनकी वो बढ़ जाएगी दूसरी तरफ अगर हम दूसरी इकोनोमी को देखते हैं जिसमें हमारे पास के स्टार इज लेस देन दोल्ड तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि अब हमें एस को बढ़ाना चाहिए ताकि एस बढ़े तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़े और कैपिटल बढ़े एंड एज ए रिजल्ट इनकम जो है वो बढ़े और उस इनकम के बढ़ने के बाद हमारी कंजम्पशन पर कैपिटल जो है वो बढ़ना शुरू हो लेकिन इमीडिएटली क्या होगा कि जब हम एस को बढ़ा देते हैं सेविंग रेट को तो वन माइनस एस जो कि डिटरमिन करता है हमारी कंजम्पशन को वो कम हो जाएगा तो इमीजिएटली इस इकोनॉमी में हमारी करंट जनरेशन जो है वो विल एक्सपीरियंस अ फॉल इन देयर कंजम्पशन पर वर्कर लेकिन लेटर ऑन एस के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ी कैपिटल बढ़ा और फिर इनकम बढ़ने की वजह से इनकी कंजम्पशन जो है फ्यूचर जनरेशन की बढ़ जाएगी तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें की कैपिटल के स्टार स्टेडी स्टेट कैपिटल इज लोअर देन द के स्टार गोल्ड तो सूरत हाल में जब हम इसको बढ़ाते हैं तो करंट जनरेशन की कंजम्पशन कम हो जाती है लेकिन फ्यूचर जनरेशन की कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाती है तो ये तो था हमारा गोल्ड रूल एंड द चेंजेस इन द एस फिर उसके बाद हमने एक और डायमेंशन ली और वो भी अगेन सोलो मॉडल ही के कॉन्टेक्सट में और जिसमें हमने कहा कि लेट्स लेस कि हमारी पॉपुलेशन जो है दैट इज ग्रोइंग यानी हमारा एल जो है दैट इज नॉट फिक्सड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी पॉपुलेशन अगर ग्रो करती है तो इस सूरत हाल में हमारे पास जो है एक ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट आ जाती है और हमने एज्यूम किया कि सपोज हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है एट द रेट ऑफ एन पर ईयर एन परसेंट पर ईयर तो इस सूरत हाल में हमारी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू वन हमारे पास अकाउंट फॉर करेगा फॉर द दिशिएशन और दूसरा जो है हमारे पास अकाउंट फॉर करेगा फॉर एन विच इज द रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन तो जब हमारी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एन टाइम्स के वन दैट इज इक्वल टू द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट विच इज एस एफ एफ के तो दैट गिव द के यानी पॉपुलेशन के ग्रो करने से हमारा जो है वो गोल्ड रूल भी चेंज होता है और स्टडी स्टेट भी चेंज हो जाता है तो जब हमने बात की गोल्ड लेवल ऑफ के स्टार तो उसमें भी हमने यही देखा कि हमारे पास जो एस एफ एफ के है वन दैट इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एन ऑफ के स्टार यानी डिप्रिसिएशन और द्रोथ रेट इन पॉपुलेशन कि जब हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन को भी अकाउंट फॉर करती है विच इज डेल्टा के और वो अकाउंट फॉर करती है फॉर द ग्रोथ इन पॉपुलेशन विच इज एंड टाइम्स के यानी नए वर्कर्स जो आते हैं उनको भी कैपिटल पर वर्कर जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं तो सूरत हाल में हमारा चेंज इन के या कैपिटल पर वर्कर इज कॉन्स्टेंट फिर हमने ये कहा कि अगर हम एक ऐसा सिनेरियो लेते हैं जिसमें हमारे पास ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन मौजूद है और हम बात करना चाहते हैं गोल्ड लेवल जहां पे हमारी कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए तो हमने कहा कि ये वो रूल होगा या ये वो वाला पॉइंट होगा जबकि हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विच बेसिकली इज द स्लोप ऑफ आर प्रोडक्शन फंक्शन एफ एफ के स्टार वन दैट इज इक्वल टू द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट देन उस ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट का जो स्लोप है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा प्लस एन सो इफ आर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एन तो देन दैट इज द स्टेडी स्टेट इक्वलिब्रियम और वो ही स्टेडी स्टेट इक्वलिब्रियम एट द सेम टाइम हमारे पास जो है वो कंजम्पशन पर वर्कर भी मैक्सिमाइज कर रहा। इसी को हमने एक और वर्जन में, में लिखा कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन एम पी के माइनस डेल्टा इफ दैट इज इक्वल टू एन विच इज द रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन तो अगेन दैट इज द गोल्ड लेवल ऑफ के स्टार एंड दिस इज द लेवल वेयर आर कंजन विल बी मैक्सिमम तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर आज इंशाल्लाह हम इसी ग्रोथ के ही कॉन्टेक्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ और डायमेंशन जो है एडप्ट करेंगे और उनमें जो हम देखना चाहेंगे सबसे पहले वो हम ये देखना चाहेंगे कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस टेक्स प्लेस अभी तक हमने जो बात की थी वो ये थी कि अगर हमारे पास स्टैटिक मॉडल होता है तो उसमें हम कहते हैं कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी फिक्स है पॉपुलेशन भी फिक्स है और कैपिटल भी फिक्स है लेकिन जब हम सोलो के कॉन्टेक्ट में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर एक ऐसा मॉडल लें जिसमें ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास जो है कैपिटल चेंज होता है जिसको अभी हमने देखा प्रीवियस एक दो लेक्चर्स में और अभी पिछले ही लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर पॉपुलेशन भी ग्रो करे तो फिर उसमें भी सोलो के मॉडल में किस तरह एडजस्टमेंट जो है वो दैट टेक्स प्लेस लेकिन अब हम देखना चाहेंगे कि अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है इफ दैट टेक्स प्लेस तो फिर सोलो मॉडल जो है वो किस तरह उसको एडजस्ट करता है उस इस सिनेरियो में जब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेंगे तो वो हम लेंगे इन द कॉन्टेक्स ऑफ द लेबर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कि जिसकी वजह से लेबर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए और फिर देखना चाहेंगे कि इसका जो है वो क्या इम्पेक्ट होता है और जब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को देखेंगे तो ऑफकोर्स हम जो है सोसाइटी की वेलबींग well को भी मद्देनजर रखेंगे हम देखेंगे कि सोसाइटी की वेलबींग well जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की प्रेजेंस में किस स्टेज पे या किस लेवल पे मैक्सिमाइज होती है यानी हमारा गोल्ड लेवल ऑफ के स्टार क्या है सभी लाल चलो द गोल्ड लेवल ऑफ के स्टार और दी गोल्ड गोल्डन रूल और दी गोल्ड रूल जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज टेकिंग प्लेस पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड द डेप्रिसिएशन इज ऑल देयर जब हम उस गोल्ड रूल को देख लेंगे तो वी विल लुक एट पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ इट कि हमें जो है कौन कौन सी पॉलिसी जो है वो फोकस करनी चाहिए सो कि ओवरऑल हमारी ग्रोथ इन द इकोनोमी दैट शुड टेक प्लेस कि व्हाट आर सर्टेन पॉलिसीज़ जो कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को अंडरटेक करनी चाहिए ताकि जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस करे तो हम शुरू करते हैं विद आर फर्स्ट टॉपिक विच इज द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन दोलो मॉडर्न के सोलो के मॉडल में हम जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को किस तरह से डील विद करते हैं तो ये जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम यहाँ पे सोलो मॉडल में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को इस कॉन्टेक्ट में लेते हैं कि दैट इज लेबर ऑगमेंटिंग जो कि लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ा दे लेकिन डेफिनेटली जब हम बात करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन की अभी तक जो हमने बात की थी वो ये की थी कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी फिक्स है और इनकम पर कैपिटल जो है वो भी फिक्स है टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रही साथ साथ हमने ये भी कहा था कि हमारे पास इनकम पर कैपिटा भी दैट इज कॉन्स्टेंट लेकिन जब हम रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं तो हमारे पास बोथ ऑफ दीज ट्रू हम शुरू करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ और जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है दैट इज लेबर ऑगमेंटिंग इसके लिए हम डिफाइन करते हैं कैपिटल लेटर ई एट दैट वी हैव डन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएबल कैपिटल लेटर ई विच रिप्रेजेंट्स द लेबर एफिशियंसी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज लेबर ऑगमेंटिंग एंड देयर फोर इट इंक्रीजेज द लेबर एफिशियंसी विच इज ई देयर फोर

और लेबर की एफिशिएंसी में जो ग्रोथ रेट है उसको हमने लोअर केस लेटर जी से डिनोट किया इसलिए अब हम देखना चाहेंगे दोबारा से सोलो के मॉडल में अब इस न्यू वर्जन ऑफ द सोलो मॉडल वी नीड टू राइट ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन एंड वी विल बी राइटिंग द प्रोडक्शन फंक्शन एज द आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ एज वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड के आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड देन लेबर में वी हैव एल इन टू ई अर आर एल इन टू ई इज द नंबर ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स देयर फोर इंक्रीज इन लेबर एफिशियंसी विल हैव द सेम इफेक्ट ऑन द आउटपुट एज इंक्रीज इन पॉपुलेशन की जब लेबर की एफिशियंसी यानी ई बढ़ेगी तो ये उसी तरह है कि जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो जाए यानी कि जब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है देट इज लेबर ऑर्गमेंटिंग लेबर की एफिशिएंसी बढ़नी जो है दैट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ जी तो उसका ट्रीटमेंट जो होगा या उसका इम्पैक्ट जो होगा विल बी एग्जैक्टली जस्ट लाइक द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इसलिए लेट्स रीडिफाइन आर वेरिएबल्स अगेन सो वी आर सेइंग नाउ लोअर केस लेटर वाई विच इज आउटपुट पर वर्कर बट वी आर गोइंग टू डिफाइन इट एज वाई डिवाइडेड बाय एलई Which means output per effective worker. And then lowercase letter K is K divided by LE, which is capital per effective worker. Now, our production function per effective worker will be y is equal to f of k. Now when we are looking at the savings and the investments, तो so अगेन हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को भी पर इफेक्टिव वर्कर टर्म्स में ही लिखेंगे एंड वी विल से एस ऑफ वाई इज इक्वल टू एस एफ एफ के यानी हमारी सेविंग जो है पर इफेक्टिव वर्कर दैट विल बी फ्रेक्शन विच वी आर सजिन डिटर्मिट फ्रैक्शन ऑफ द इनकम विच पीपल आर सेविंग एस एस ऑफ वाई विल बी इक्वल टू एस एफ एफ के विच इज आर इन्वेस्टमेंट सो फम ओर जब हम ओवरऑल देखते हैं तो वी नीड टू लुक एट द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट्स एज वेल प्रीवियसली जब हमने पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की थी तो वहां पे हमने ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट को कहा था कि डिप्रिसिएशन रेट विच इज डेल्टा प्लस द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन एन सो वी सर डेल्टा प्लस एन टाइम्स के इज द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लेकिन अभी हमने कहा कि जब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करते हैं तो लेबर की एफिशिएंसी जो है दैट इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ जी और हमने इसको ट्रीट बिल्कुल उसी तरह करना है कि जिस तरह की हमने ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन को ट्रीट किया था डे फोर अब हमारा जो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट होगा वो होगी डेल्टा विच इज द डिप्रिसिएशन रेट प्लस एन विच इज द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन एंड नाउ प्लस जी विच इज एफिशिएंसी रेट इंक्रीज ग्रोथ रेट इन एफिशिएंसी. टाइम्स के इज आर ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट सो हेर डेल्टा प्लस एन प्लस जी Times k is the break-even investment and the amount of investment necessary to keep k constant. So it has three components now. The first component is delta k, and that is for the replacement of the depreciating capital. Then next component is nk, that is to provide capital for the new workers, and the last component is gk to provide capital for the new effective workers. एंड दे आर देयर बिकॉज ऑफ दी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की अब जो हमारी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है उसके तीन कॉम्पोनेट हो गए हैं एक कॉम्पोनेंट है कि जो हमारा कैपिटल वियर एंड टियर हुआ है टू अकाउंट फॉर दैट कॉम्पोनेट एंड दैट इज द डिप्रीजन रेट टाइम्स कैपिटल पर वर्कर्स सेकेंड कॉम्पोनेंट जो है हमारा दैट इज टू अकाउंट फॉर द्रोथ रेट इन पॉपुलेशन विच इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ एन एंड टाइम्स के हम जो नए आने वाले वर्कर्स हैं वी शुड इक्विप दम विद दैपिटल द लास्ट थिंग इज के हमारे पास जो है जी टाइम्स के दैट इज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से हमारी वर्कर्स की जो एफिशियंसी ग्रो हो रही है दैट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ जी इसलिए इफेक्टिव वर्कर्स को इक्विप करने के लिए वी हैव दर्ड कॉम्पोनेंट विच इज दी टाइम्स के तो इसी को अगर हम सोलो के ही मॉडल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी विल सी दिस ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ अब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन दोलो मॉडल We have taken the capital per worker, lowercase letter k as usual on the x axis, and we have taken the investments and the break even investment on the y axis. And we have said that steady state equilibrium point where the change in k will be equal to 0, which means that our actual investment, which is as time f of k, should be equal to our break even investment. Now, we have defined break even investment. अभी किया है कि दैट इज इक्वल टू डिप्रिसिएशन रेट प्लस द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन प्लस द ग्रोथ रेट इन एफिशियंसी ऑफ वर्कर्स विच इज ड्यू टू दॉजीकल प्रोग्रेस टाइम्स दैपिटल फॉर वर्कर सो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड सो वी हैव हियर चेंज इन के इज इक्वल टू एस एफ एफ के माइनस डेल्टा प्लस एन प्लस जी टाइम्स के यानी चेंज इन के इज इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट माइनस द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट सो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग डेल्टा प्लस एन प्लस जी के इज आर ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट लाइन एंड एस एफ एफ के इज़ आर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सो एट स्टेडी स्टेट वी वांट कि हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है एग्जैक्टली बराबर हो जाए ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट और हमारा चेंज इन के जो है वो जीरो हो जाए तो इस ग्राफ में जहां पे हमारे पास दोनों कर्फ एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं दैट इज पॉइंट जहां पे हमारे पास एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट सो दैट इज दोलो मॉडल इक्वेप्रियम अब हम देखते हैं कि इस स्टेडी स्टेट इक्वेब्रियम में जो कैपिटल पर वर्कर के स्टार्ट है उसमें ओवरऑल इकोनोमी की वेलफेयर और द बेनिफिट

Technological progress. We have taken the variables and then the symbols and then the steady state growth rates. Capital per effective worker, we have used this symbol lowercase letter k is equal to k divided by L into E in steady state growth rate will be 0. Output per effective worker, lowercase letter y is equal to capital letter y divided by L into E will have a 0 growth rate in steady state. Output per worker y divided by l is equal to y into e will have g growth rate in steady state, and the total output y is equal to y into e into l and it will have n plus g growth rate in steady state. अब ये तो थी हमारी जनरल टर्मिनोलॉजी अब हम आते हैं स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज फॉर दी गोल्डन रूल वी आर गोइंग टू तो ड्राइव दी गोल्डन रूल व्हेन वी आर यूजिंग दी सोलो मॉडल विद विद्शन कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दैट इज टेकिंग प्लेस और वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है दैट इज लेबर ऑगमेंटिंग मीनिंग कि लेबर की एफिशंसी जो है इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूव हो रही है और जिसमें हम बात कर सकते हैं अगर हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल देना चाहें तो हम कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द असेंबली लाइन प्रोडक्शन इंक्रीज इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी जब असेंबली लाइन प्रोडक्शन जो है इंट्रोड्यूस हुई तो उससे लेबर की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई इसी तरह इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स कंप्यूटर के आने की वजह से भी लेबर की एफिशियंसी जो है वो बढ़ गई सो दीजर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो हमारी लेबर की एफिशंसी बढ़ा देता है और उसी को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्सट ऑफ दोलो मॉडल लेकिन जब हम गोल्डन रूल की बात करते हैं तो हमारे पास वही बेसिक प्रिंसिपल है की वी आर लुकिंग एट अनेरियो जिसमें हमारे पास कंजम्पशन पर वर्कर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए सो लेट्स रीडिफाइन सर्टन टर्मिनोलॉजी फर्स्ट So, to find the golden rule capital stock, we have to express our C star, which is the consumption per worker, in terms of K star, which is capital per worker. So, our C star is equal to Y star minus I star, meaning consumption per worker is equal to income per worker minus the investment per worker. Because we have said that steady state, our investment is equal to saving. We that y minus s is the consumption, income minus saving is the consumption. We can equivalently say that y minus i is also equal to the consumption. Per worker term may be consumption per worker is equal to income per worker minus the investment per worker, which is equivalent to the saving per worker. So, let us rearrange and redefine these, and we come up with y star is equal to f of k star minus.

Consumption per worker will be maximized when our marginal product of capital is equal to delta plus n plus g and we can also rearrange it and we can come up with another expression which is equivalent to our previous expression and that is a marginal product of capital minus delta is equal to n plus g capital related. Terminologies we are taking it on the one hand, and then labor related variables changes we are taking it on the other hand. So, MPK is the marginal product of capital minus the depreciation of the capital. So, when we say MPK minus depreciation, marginal product of capital adjusted for the depreciation, that should be equal to the growth rate in population plus the growth rate in the efficiency of the workers. So, this will be the point where. The consumption per worker will be maximum. So, we can also reflect this gold rule with the help of this particular uh, graph here. The golden rule capital stock, as before, we have taken the steady state capital per worker k star on our x axis and we have taken the steady state output and investment on the y axis. f of k star basically represents the production and delta plus n plus g k star reflects the investments. The k star goal, if you look at the k star goal here, so at that k star goal our total income y star is the distance from k star touching to the curve f of k star. Out of this when we look at the investments, so our i star goal is starting from the k star from x axis and touching the Investment curve which is delta plus n plus g of k star that is the i star. So the difference is y star minus i star is our c star. So is pe c star gold is given by the difference between the y star and the i star gold and that is the difference or the distance between both of these curves. So at that k star gold, if we look very carefully on the graph, the hamaripa's distance you have dono curve ka maximum. Hai. इसलिए ये पॉइंट है जहां पे हमारे पास जो है कंजम्पशन पर वर्कर जो है वो मैक्सिमाइज हो रही है यानी जितनी हमारी इनकम जो है पर वर्कर स्टेडी स्टेट लेवल पे हो रही है उसमें से अगर इन्वेस्टमेंट पर वर्कर हम निकाल दें तो हमारे पास जो है कंजम्पशन पर वर्कर आ जाती है और वो कंजम्प्शन पर वर्कर मैक्सिमम है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो के स्टार गोल्ड के ऊपर मैक्सिमम है लेकिन जहन में ये रखना चाहिए कि जब हम इस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने तीन चीजों को अकाउंट फॉर किया है कि हमने डिप्रिसिएशन को भी अकाउंट फॉर किया ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन को भी अकाउंट फॉर किया एंड दी ग्रोथ रेट इन दफिशंसी ऑफ दी वर्कर जो है उनको उसको भी अकाउंट फॉर किया अब इसी को हम एक और ग्राफ में भी देख सकते हैं और वो ग्राफ है हमारा द रूल कैपिटल स्टॉक Again, we have taken the steady state capital per worker K star on the x-axis, and we have taken the steady state output and investment on the y-axis. It's the same previous graph. But we discussed golden rule or gold rule, we said that this is the point where our marginal product of capital should be equal to the depreciation rate plus the growth rate in population. प्लस द ग्रोथ रेट इन एफिशियंसी ऑफ द वर्कर्स अब अगर हम कर्व को देखें तो हमारा एफ एफ के जो आउटपुट का कर्व है उसका स्लोप बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल दूसरी तरफ जो हमारा इन्वेस्टमेंट का कर्व है उसका स्लोप डेल्टा विच इज द डिप्रीसी रेट प्लस एन विच इज द ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन प्लस जी विच इज द ग्रोथ रेट इन दफिशियंसी ऑफ द वर्कर्स तो दोनों के स्लोप जहां बराबर हो जाएंगे उस जगह पे हमारी कंजम्पशन पर वर्कर जो है वो मैक्सिमम होगी तो इस ग्राफ में हम देखते हैं कि हमारे पास डेल्टा प्लस एन प्लस जी इज अ कॉन्स्टेंट स्लोप फॉर द इन्वेस्टमेंट कर्व जबकि एफ एफ के जिसका स्लोप है एमपीके के इट इज चेंजिंग अलॉन्ग दी कर्व। तो वी हैव ड्रॉन अ लाइन टेंजेंट टू द इन्वेस्टमेंट करव तो वो टेंजेंट ब्रोकन लाइन जो है उसका स्लोप नाउ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्लोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट कर इसलिए ये पॉइंट जो है दैट इज द पॉइंट विच गेव्स ऑफ दी स्टार गोल्ड के वीयर द कंजन पर वर्कर एज एट इट्स मैक्सिमम दोनों के स्लोप बराबर है ये तो था कि हमारा जब हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को देखते हैं और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं रियल लाइफ में सिचुएशन वही है कि जब हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट में हम वही कहते हैं कि हमारे पास अगर कैपिटल स्टॉक हायर और लोअर है ऑटोमेटिकली विद एडजस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल स्टॉक जो है दैट विल मूव टूवर्ड्स द स्टेडी स्टेट इक्वलिब्रियम अगर लो है कैपिटल स्टॉक तो हम क्या करेंगे सेविंग रेट को बढ़ा देंगे एंड वी विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दी स्टडी स्टेट कैपिटल स्टॉक दूसरी तरफ जब हमारे पास हाई है कैपिटल स्टॉक तो हम सेविंग को कम करेंगे और हमारे पास वी विल स्टार्ट मूविंग द स्टेडी स्टेट लेकिन जब हम बात करते हैं इंक्रीज इन द वेल बींग ऑफ द सोसाइटी इंडिविजुअल्स तो वो इंक्रीज जो है दैट कम्स फ्रॉम द कंजशन पर वर्कर तो हमारे पास गोल्ड रूल के स्टार वो है जिसके लिए पॉलिसी मेकर्स को कुछ सेविंग रेट्स जो है एग्जार्जिनल क्योंकि हमने एज्यूम किया डिटर्मिन है तो कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए जिससे सेविंग रेट को बढ़ाया या कम किया जाए सो दैट कि अल्टीमेटली हमारे पास कंजम्पशन पर वर्कर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए अब सवाल ये पैदा होता है कि वी नीड टू आस्क हम इकोनॉमीज़ को इवेल्युएट करते हैं तो वी नीड टू आस्क थ्री फोर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दैट इज कि वेदर और सेविंग रेट इज अप्रोप्रिएट जैसे हमने कहा कि हमारा सेविंग रेट जो है उसको बढ़ा के और कम करके हम स्टेडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर को चेंज कर सकते हैं और उस स्टेडी स्टेट कैपिटल पर वर्कर को चेंज करते हुए हम गोल्ड लेवल ऑफ के स्टार को भी चेंज कर सकते हैं यानी ओवरऑल ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो कर सकती है गवर्नमेंट कि जिसमें सेविंग रेट को इंक्रीज करके या सेविंग रेट को डिक्रीज करके हम जो है कैपिटल पर वर्कर को भी चेंज करेंगे और इनकम पर वर्कर एज वेल एज कंजम्पशन पर वर्कर को इन्फ्लुएंस कर सकें तो बिफोर वी मेक अ डिसीजन अबाउट द सेविंग रेट हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वी इवेल्यूएट द सेविंग रेट कि वी नीड टू हैव अ लुक ऑन द एग्जिस्टिंग सेविंग रेट फॉर आर इकोनोमी हम ये देखें कि वेदर द सेविंग रेट इज जस्ट अप्रोप्रिएट वेदर इट इज टू हाई और वेदर इट इज टू लो दैट इज वन पॉलिसी इशू Then next comes the issue of once we have found out and that we have reflected on this, once we say whether our saving rate is appropriate, high or low, what policies might change the saving rate? And then we need to look at different policy alternatives. Ke we can change the saving rate by following policy A, B or C, and then we also need to look at it. कि कौन सी पॉलिसी जो है दैट विल बी मोर इफेक्टिव वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमने जो है सेविंग रेट को चेंज करना है तो देन वी कम टू क्वेश्चन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कि सेविंग रेट को चेंज करने से जो हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज आती है वो हमने किस डायरेक्शन में करनी है वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट आवर मनी इन दब्लिक प्रोजेक्ट और वेदर वी शुड फोकस ऑन दी प्राइवेट फिजिकल इन्वेस्टमेंट और वेदर We have to invest on the human capital. Looking at the background of the economy and the participation of the public in the private enterprises and the growth rate in the private sector and the public sector, we need to make decisions. At the same time, human capital, that is one important aspect just the government ko focus on and investment. And finally, our last policy area can be. वट पॉलिसीज़ माई एनकरेज फास्टर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कि हमें अगर सोसाइटी या इकोनोमी को ग्रो करना है देन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज वन वे टू इंक्रीज द इनकम पर कैपिटल तो हमें कौन सी पॉलिसीज जो है वो फॉलो करनी चाहिए सो देट के वी कैन ब्रिंग द फास्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन द इकोनॉमी तो हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट पॉलिसी एरिया से और वो ये था कि वी नीड टू इवेल्युएट फर्स्ट ऑफ ऑल आर सेविंग रेट जब हम देखते हैं कि हमारा सेविंग रेट जो है जिनली डिटर्मिट है और उसको मेनिपुलेट करके गवर्नमेंट जो है वो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकती है एंड ऑफ कोर्स द वेल डिवेल्पिंग ऑफ दर्कर्स बाय इंक्रीजिंग द कंजम्पशन पर वर्कर तो सबसे पहले हमें इवेल्युएट करना चाहिए कि हमारा जो सेविंग रेट है वेदर इट इज सफिशेंट Whether it is high or whether it is low. So, how can we evaluate our current saving rate? For that, let us look at this particular slide here. So, we should start using the golden rule to determine whether our saving rates and the capital stock, whether they are too high, too low, or about right. So, in order to do this, we need to compare the marginal product of capital. एडजस्टेड फॉर द डेप्रिसिएशन टू एन प्लस जी यानी जब हम बात कर रहे हैं सेविंग रेट की और हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं सेविंग रेट को so how can how can we proceed? प्रोसीड सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल स्टार्टिंग विद स्टेडिस्टेट एंड द गोल्ड रूल क्योंकि हमारा op, optimum लेवल क्या है कि वी आर फोकसिंग ऑन द कंजम्शन पर वर्कर कि अगर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एडजस्टेड फॉर द डेप्रिसिएशन We compare that with the growth rate in population and the growth rate in the efficiency of the workers. So, when we do that, then we can have two scenarios as is reflected on this particular slide. We can have a scenario where marginal product of capital adjusted for depreciation, if that is higher than the growth rate in population and growth rate in efficiency of the workers. Then we are below the golden rule steady state and we should increase S. Yenike agar marginal product of capital adjusted for depreciation is more than N plus G, then we are at a level which is below the gold rule of steady state. Therefore, how can we overcome this? Ke we need to focus on the एस एज इज रिफ्लेक्टेड हिस्टर कि हमारा सेविंग रेट अब सेविंग रेट को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि सेविंग रेट को बढ़ाने से हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी बिकॉज वी हैव सेड इन द स्टेडी स्टेट हमारी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एस एफ एफ के तो जब हमारा एस बढ़ता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एंड कैपिटल पर वर्कर विल इंक्रीज एंड देयर फोर इंक्रीज इन दैपिटल विल ब्रिंग अ डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज एन इंक्रीज इन द डिप्रिसिएशन जब कैपिटल बढ़ेगा उसकी डिप्रिसिएशन भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ उसका मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बी कम हो जाएगा और दोनों को मिला के जब हमारे पास एमपी के माइनस डेल्टा ग्रेटर देन एन प्लस जी था तब तो हमारे पास टेंडेंसी क्या है कि एमपी के माइनस डेल्टा विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड देयर फोर वी विल कम टू द पॉइंट व्यर आर एमपी के माइनस डेल्टा इज इक्वल टू एन प्लस जी

तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी एज ए रिजल्ट कैपिटल स्टॉक कम होने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा और डेप्रिसिएशन कम होगी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के बढ़ने से और डेप्रिसिएशन के कम होने से हमारा एमपी के माइनस डेल्टा बढ़ जाएगा एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू एंड प्लस जी थर्ड सीनैरियो इज ऑल्सो पॉसिबल और वो थर्ड सीनैरियो क्या हो सकता है कि जिसमें हम कहें कि हमारा एमपी के माइनस डेल्टा is equal to N plus G or that scenario is our goal level of K star. Now, this the level hai sa saving rate is exactly right. Already consumption per worker is at the maximum and the government need not to do anything on that. Now, let us further take an example in order to elaborate this scenario here so we are talking about a hypothetical economy and we have assumed certain values for these variables and we can also draw a conclusion where we can say okay, if the economy has certain values for certain variables and we compare mpk minus delta with n plus g and then we suggest okay, how economy can grow and the income per capita can also grow so let's look at this here so to estimate the mpk minus delta we use three facts about an economy. the first fact is k is equal to 2.5y. the capital stock is about 2.5 times 1 year's gdp. then the, our hamara capital stock is 2.5 times of 1 year's gdp. then we look at the second fact, delta k, which is the depreciation, is equal to 0.1 times y about 10 percent of the GDP is used to replace depreciating capital. hamara jo capital stock has a huge capital stock 2.5 times that of GDP or uski depreciation, and that is 10 percent of the total GDP. GDP ka 10 percent that is used for the depreciation of that particular capital stock. Then comes the third factor. And that is MPK times K is equal to 0.3 times Y. The capital income is about 30 percent of the GDP. Now, using these facts, we can summarize and we can come to certain conclusions here. Number one, K is equal to 2.5Y, delta K is equal to 0.1Y, MPK times K is equal to 0.3Y. Now, in order to determine the delta, which is the depreciation rate, we need to manipulate equation number 1 and equation number 2. So, if we take equation number 2 and we divide it by equation number 1. So, what we will get from here is that okay, delta k divided by k is equal to point y divided by 2.5, which will give us a delta value of. 0.1 divided by 2.5, which is equal to 0 0.04. What this means here is that our depreciation rate delta is 4 percent. If we want to calculate the depreciation, we can say delta k. So, if we have the capital stock, we have the 4 percent as the depreciation rate. Now, we do certain more manipulations in order to get the value of the marginal product of capital. We have the same three equations. K is equal to 2.5 y, delta k is equal to 0.1 y, mpk times k is equal to 0.3 y. Now, in order to determine the marginal product of capital MPK, if we divide equation number 3 by equation number 1, what we get here is MPK times k divided by k is equal to 0.3 y divided by 2.5 y, which gives us mpk is equal to 0.3 divided by 2.5 which is equal to 0.12 now what we have now calculated as delta and the mpk now we can calculate mpk minus delta now our mpk as is reflected on this slide is equal to 0.12 our delta we calculated on the previous slide as 0 0.04 therefore mpk minus delta is equal to 0.12 Minus 0 0.04, which is equal to 0 0.08. Now, we have what on this slide from the last slide we have MPK minus delta is equal to 0 0.08. Now, if we look at this particular economy and we say our real GDP grows at an average range of 3 percent per year. So, that our N plus G is equal to 0 0.03. Therefore,

MPK minus delta, and we said it is 0 0.08. Any MPK was calculated as 0 0.12 and delta was calculated at 0, 0.0. So, we came up with the value of 0 0.08, and then we said n plus g you have for this particular economy is at a level of 0 0.03. So, let us look at this here. So, MPK minus delta is equal to 0 0.08, which is greater than 0 0.03. Therefore, what is the conclusion? दिस इकोनॉमी इज बिलो द गोल्डन रूल स्टडी स्टेट देअर फोर इव यू इंक्रीज दिस इकोनॉमी द इकोनॉमी विल हैव फास्टर ग्रोथ अंटिल इट रीचेज टू अ न्यू स्टडी स्टेट विद हायर कंजम्पन पर कैपिटल जब हम बात करते हैं इस सीनैरियो की और इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जो इकोनॉमी की हमने ली है उसमें हमारे पास एमपी के माइनस डेल्टा वस पॉइंट जीरो ए विच इज ग्रेटर दैन पॉइंट जीरो थ्री सो इकोनॉमी वॉज एट ए लेवल बिलोर दोल्ड के स्टार लेवल इसलिए इस इकोनॉमी को सेविंग रेट बढ़ाना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े कैपिटल बढ़े और एमपीके कम हो डिप्रिसिएशन ज्यादा हो एंड फाइनली हमारी एमपी के माइनस डेल्टा शुड बी इक्वल टू द रियल ग्रोथ रेट इन जी डी पी और शुड बी इक्वल टू एन प्लस जी तो ये तो था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ पहले पॉलिसी मैयर को डिस्कस किया कि हमें सबसे पहले इवाल्यूएट करना चाहिए कि हमारा एग्जिस्टिंग सेविंग रेट जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है वेदर इट इज बिलो द गोल्ड स्टडी लेवल और वेदर इट इज अबव and एंड देन वी नीड टू फॉर्मुलेट दॉलिसीज अब अगले लेक्चर में हम जो है इसी को ही कंटिन्यू करेंगे पॉलिसी एरियाज को एंड इनशाला वी विल कवर रेस्ट ऑफ दी पॉलिसी माईअर्स जिसमें हम बात करेंगे कि हम जो है सेविंग रेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं क्या क्या हमारे पास पॉलिसी टूल्स हैं और वालस वी आर इन अ पोजिशन टू चेंज दिस सेविंग रेट तो इस सेविंग से हम किस किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें और उन इन्वेस्टमेंट एरियाज में हमें ह्यूमन कैपिटल वन एरिया फिजिकल प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर दीज आर द्री पॉसिबल एरियाज एंड देन फाइनली वी कैन ऑल्सो लोकेटेड के वेदर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है दैट इज फास्ट इनफ सो दैट के हमारे पास ऐसी पॉलिसीज हो जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को फास्ट करें एंड वी कैन एक्सपीरियंस इंक्रीज इन दी इंक्रीज इन दी इनकम पर कैपिटल तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करूं मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी आज के लेक्चर को तो आज के लेक्चर में हम उसी सोलो मॉडल ही को कंटिन्यू कर रहे थे और हमने जिस एस्पेक्ट को हाईलाइट किया वो ये था कि अगर इकोनोमी में टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है इफ दैट टेक्स प्लेस तो उसके बाद हमारा स्टेटिस्टेटिक लिब्रम क्या होगा और उसके साथ हमारा गोल्ड रूल के स्टार या कैपिटल पर वर्कर क्या होगा लेकिन जब हमने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात की तो हमने ये कहा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करते हैं जिससे हमारे लेबर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और फिर हमने डिफाइन किया कि हमारे पास इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी इज माई अ ग्रोथ रेट विच इज जी एंड दैट इज जॉजिनस एंड एक्सटर्नल और फिर हमने सारी रीडिफाइन की एंड वी कि हमारा कैपिटल पर वर्कर इज नाउ कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर यानी लोअर किस लेटर इज इक्वल टू अपर किस लेटर के डिवाइडेड बाय एल इन टू इसी तरह हमारी आउटपुट पर वर्कर लोअर केक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एल इन टू यानी आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर इन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमने ये कहा कि हमारा स्टेडी स्टेट जो होगा वो सिचुएशन होगी जहां पे हमारी ब्रेकिंग इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दस्टमेंट यानी कि हमारी चेंज इन के इज और ये सिचुएशन वो होगी जहाँ पे हमारे पास डेल्टा विच इज द डिप्रीसिएशन रेट प्लस एन विच इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट प्लस जी विच इज ग्रोथ रेट इन एफिशिएंसी टाइम्स के इज एक्जैक्टली इक्वल टू एस एफ एफ के विच इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और फिर हमने ये कहा कि अगर हम सोसाइटी की ओवरऑल वेलबींग well को देखना चाहते हैं तो उसमें हम ये देखेंगे कि सोसाइटी की वेलबींग well मैक्सिमाइज होती है जब कंजम्पशन पर वर्कर जो है वो बढ़ जाए तो इस सिनेरियो में हमने ये देखा कि कंजम्पशन पर वर्कर को भी देखने के लिए हमारे पास गोल्ड रूल क्या होगा कि वो होगा कि जब हम एमपी के माइनस डेल्टा को बराबर कर दें एन प्लस जी के यानी कि हमारा मार्शनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एडजस्टेड फॉर द डिप्रिसिएशन शुड बी इक्वल टू ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ इन दफिशियंसी ऑफ द लेबर और इसको हमने ये कहा था कि जब एफिशियंसी ऑफ दी लेबर के बढ़ने की बात करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट जो है एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है जैसा कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर जाए इसीलिए पॉपुलेशन रिलेटेड वेरिएबल्स जो कि ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन एल एंड द इंक्रीज इन दी एफिशंसी और दफिशियंसी ग्रोथ रेट जी उनको हम अगर एक तरफ रखें और दूसरी तरफ हम जो है कैपिटल रिलेटेड वेरिएबल्स को देखें तो एमपी के एंड्रिसिएशन को अगर इक्रिएट करें तो दैट गिव्स अस दी गोल्ड लेवल ऑफ द के स्टार ऑफ द कैपिटल पर वर्कर और उसके बाद हमने ये कहा कि सर्टेन पॉलिसी एरियाज के हम जो है ऐसी पॉलिसीज जो है फॉर्मुलेट करें जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दैट शुड टेक प्लेस तो उन पॉलिसी एरियाज में सबसे पहला एरिया हमने ये कहा कि वी नीड टू एवेल्यूएट आवर सेविंग रेट्स कि वी नीड टू स्टार्ट विद द गोल्ड रूल एंड सी कि वेदर आर सेविंग रेट इज अप्रोप्रिएट इनफ दैट वी डू नॉट नीड एनी चेंज इन स्टार दर कंजम्पशन पर वर्कर इज एट इट्स मैक्सिमम और वेदर वी हैव सेविंग रेट लो इनफ और वेदर वी हैव द सेविंग रेट हाई इनफ तो उस सिलसिले में हमने ये कहा कि हम इकोनमी को इवेल्युएट कर सकते हैं हम सबसे पहले देखेंगे एमपी के माइनस डेल्टा को और उसको कंपेयर करेंगे विद एन प्लस जी अगर हमारी इकोनोमी में एमपी के माइनस डेल्टा इज एग्जैक्टली इक्वल टू एन प्लस जी तो हमें ऑलरेडी जो सिचुएशन है दैट इज गोल्ड लेवल ऑफ कैपिटल पर वर्कर बट इफ आर एमपी के माइनस डेल्टा इज ग्रेटर देन एन प्लस जी देन वी आर बिलो गोल्ड रूल कैपिटल Uh, per worker, and if our MPK minus delta is less than n plus g, then we are above. So then, then we also took a hypothetical example, and we said, okay, in this particular economy with certain given numbers, we tried to calculate, and we found out that our economy, that was below the level of the gold round. Therefore, we should start increasing the investment rate, and that will lead towards increase in the growth of the economy. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर इनशाला अगले लेक्चर में विद सर्टन अदर पॉलिसी मेयर्स आपसे मुलाकात होगी आप डॉक्टर हो तालत को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज